बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एडवांस फार्मिंग। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जो दोस्त चैनल पर नए आए और अगर उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब कर लें। पूरे पाकिस्तान से ज़रिया अजनास के ताज़ा रेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज पंजाब गल्ला मंडियों के अंदर तकरीबन तमाम ज़रिया अजनास के रेट्स जो हैं दोबारा फिर कम बैक कर चुके हैं। आज के दिन में तकरीबन जो मंदी पिछले 3-4 दिनों से चल रही थी मंडियों के अंदर रेट्स के अंदर, वो आज हमें कम होती हुई नज़र आई और आज जो रेट्स हैं वो मुस्बत की जानिब दोबारा फिर बढ़ने लग पड़े हैं। ओवरऑल मार्केट के अंदर आज तेज़ी रही। मुंजी की मार्केट में बड़ी ज़बरदस्त कम बैक हो चुका है। मुंजी मार्केट के अंदर जो रेट हैं आज फिर डल चुके हैं। अगर बात करें आज मक्की के हवाले से तो मक्की की मार्केट के अंदर आज 50 रुपये की मंदी देखने को मिली। तकरीबन तमाम फीड मिल्स ने अपने जो रेट्स हैं मज़ीद 30 से 50 रुपये जो हैं वो कम कर दिए हैं। आज के दिन मंडियों में अगर मक्की की बात करें तो अच्छा क्वालिटी वाला माल 2000 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक फरोख्त हुआ और पुरानी मक्की जो है वो 1300 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक इस टाइम मंडियों में फरोख्त हो रही है। और अगर फील्ड रेट की बात करें आढ़तियों की, जो फील्ड में जो रेट चल रहा है वो इस टाइम 1600 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक चल रहा है। अगर बात करें सरसों के हवाले से तो सरसों की मार्केट भी आज तकरीबन डाउन ही नज़र आ रही है। मजमूई रेट्स की बात करें तो 6500 रुपये से लेकर 6700 रुपये तक रहा है। तिल की मार्केट में आज 500 रुपये की हमें तेज़ी नज़र आई। तिल की मार्केट में उम्मीद है क्योंकि पिछले साल अगर इस साल हम मुवाजना करें तो पिछले साल इन्हीं दिनों में जो तिल की मार्केट थी वो 23000 रुपये क्रॉस कर चुकी थी, क्योंकि पिछले साल तिल की जो फसल थी वो भी कम थी। इस साल फसल ज़्यादा है लेकिन इस साल रेट कम है, लेकिन उम्मीद है कि रेट जो है दिसंबर के पहले 15 दिनों के अंदर दोबारा रेट जो है वो दोबारा फिर 24 से 25000 रुपये तक जाने की उम्मीद हम कर सकते हैं। मजमूई रेट्स की बात करें तिल की मार्केट की तो आज एवरेज जो तिल का रेट था वो 17500 रुपये से लेके 21000 रुपये तक रहा, यानी अच्छे जो क्वालिटी वाले तिल हैं वो उनमें उनके अंदर आज 500 रुपये का इजाफा देखने को मिला और 21500 रुपये तक जो तिल की मार्केट है दोबारा फिर पहुंच चुकी है। अगर बात करें गंदम के हवाले से तो गंदम के रेट्स का बड़ा हबाम चल रहा है हमारे एरियाज़ में, क्योंकि जहाँ पर मंडी में रसाई आसान है वहाँ पर मंडियों में रेट तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन जो फील्ड में जो रेट है वो आढ़ती तकरीबन कम दे रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह तोड़ा सूत्री और डीजल महंगा होने की वजह से अखराजात ज़्यादा आने की वजह से जो मार्जिन है वो ज़्यादा उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन इस टाइम मंडियों के अंदर अगर गंदम की बात करें तो 4400 रुपये से लेकर 4700 रुपये तक जो परचून के अंदर जो है वो खरीदो फरोख्त हो रही है। अगर बात करें इस टाइम मुंजी के बारे में तो मुंजी की मार्केट में बड़ी शानदार तेज़ी आ चुकी है। मुंजी की मार्केट के मजमूई रेट्स की बात करें तो सुपरी के रेट की बात करें तो 4000 रुपये से लेकर 4500 रुपये तक पहुँच चुके हैं। अगर बात करें 1509 और 1692 के रेट्स की तो इस टाइम 4700 रुपये से लेकर 5300 रुपये तक खरीदो फरोख्त हुई। अगर बात करें 1121 कैनात के हवाले से तो 1121 कैनात जो है इस वक्त मार्केट के अंदर सबसे टॉप पर ही 5800 रुपये 5800 रुपये तक कैनात की मार्केट पहुंच चुकी है, जो कि आने वाले दिनों में आपको 6000 भी क्रॉस करती हुई नजर आएगी। 515 सुपर की बात करें तो इस टाइम 4700 रुपये से लेकर 5300 रुपये तक रेट रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया।